हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फेलोशिप का, जिसका नाम है बैन की मून स्कॉलरशिप एट MCI। तो इस फेलोशिप के बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कौन कौन से जो बच्चे हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक जो फेलोशिप आई है बैन की मून स्कॉलरशिप एट MCI है, जो कि 8th UN सेक्रेटरी जनरल स्कॉलरशिप है ऑन SDGs में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने सबसे ऊपर मेंशन कर रखा है स्कॉलरशिप जो आपको यहाँ पे दी जाएगी वो मिलेगी 10,000 यूरोज़, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो 10,000 यूरोज़ जो है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या क्या है और कौन कौन जो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, ये तो सपोर्टिंग द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज अ ज्वाइंट मिशन ऑफ द 8th UN सेक्रेटरी जनरल बैन की मून एंड MCI। तो ये जो ज्वाइंट मिशन है यानी ज्वाइंट फेलोशिप देगा वो कौन देगा? यूएन सेक्रेटरी जनरल बैन की मून एंड MCI। तो दोनों की ये ज्वाइंट मिशन है जिसमें जो है वो बच्चों को जो है फेलोशिप देंगे। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप देखिए 10,000 यूरोज इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे जो प्रेस्टीजियस जो इंस्टीट्यूट है यूरोप में, तो यहाँ पे देखिए ये जो फेलोशिप वो यूरोप के लिए। तो अगर आप यूरोप में किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं तो आप जो है बैन की मून स्कॉलरशिप जो है वो अवेल कर सकते हैं, अगर आप इसके सेलेक्शन इसमें आपका अगर होता है। तो अगर हम बात करें स्कॉलरशिप के बारे में, तो यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है स्कॉलरशिप इज एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द रिस्पेक्टिव मास्टर प्रोग्राम फॉर फर्दर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी सी दिस वेबसाइट। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में जो है आपका यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो एप्लीकेबल रहेगी। और आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो बैन की मून जो फेलोशिप है ये एप्लीकेबल मास्टर्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप मास्टर बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टूरिज्म में, मैनेजमेंट में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, तो अगर आप इनमें से किसी भी मास्टर करना चाहते हैं यूरोप में, ठीक, यूरोप के किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में, तो आप इस फेलोशिप की अप्लाई कर सकते हैं। और जो फर्स्ट ईयर में आपकी जो फेलोशिप वो एप्लीकेबल रहेगी और यहाँ पर आपको 10,000 यूरोज़ जो है वो फर्स्ट ईयर में दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि कॉपी ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन टू MCI मास्टर प्रोग्राम आपका होना चाहिए, रिटर्न एप्लीकेशन CV होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, नॉन यूरोपियन सिटीजनशिप आपके पास होना चाहिए, मीन्स आप लाइक नॉन यूरोपियन होने चाहिए। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट एंगेजमेंट इन SDG, मोटिवेशन लेटर विद SDG एम्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना चाहिए आपका, जैसे कि IELTS होना चाहिए या GRE होना चाहिए अगर इंग्लिश की हम बात करें। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो 31 मार्च 2021 है। ठीक है, और जो अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रखा है मिस लीना सॉर्विन का, और साथ ही साथ मेल आईडी और फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, तो वहाँ पे जो है आप जाके जो इसके बारे में और भी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्शियल स्कॉलरशिप ये जो है ये वैलिड है फॉर एप्लीकेशन फॉर मास्टर प्रोग्राम के लिए और आपका नॉन यूरोपियन होना जरूरी है। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें एग्जीक्यूटिव मास्टर प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पे आप चाहे यूरोपियन हो चाहे नॉन यूरोपियन है, सबके लिए यहाँ पे वैलिड है ये फेलोशिप। ठीक है, तो अगर आप एग्जीक्यूटिव मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव MBA हो, मैनेजमेंट लीडरशिप MSc हो, डिजिटल इकोनॉमिक लीडरशिप MSc हो, तो ये सब में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एग्जीक्यूटिव मास्टर प्रोग्राम में, तो आप ये जो है इसके लिए आप किसी भी नेशनल के हों आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के लिए जो भी CV एविडेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो कि मैंने आपको बताया, और प्रूफ ऑफ नॉन यूरोपियन नेशनलिटी, ये सब जो है आपको यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा आपका स्टेटमेंट होना चाहिए 500 वर्ड्स का। ठीक है, तो इसके अलावा आपका मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए आप इसके लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो एप्लीकेशंस विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला जो क्राइटेरिया है वो करंट कमिटमेंट टू द SDGs मीन्स डिग्री एंड नेचर ऑफ एंगेजमेंट या कमिटमेंट, इविडेंस प्रोवाइडेड, इम्पैक्ट अचीव, तो इसकी बेस पे होगा। दूसरा क्या है, फ्यूचर कमिटमेंट टू द SDG मीन्स फिजिबिलिटी ऑफ द डेफिनेट डिफाइंड गोल्स, मैच एंड कन्वेंस ऑफ एप्लीकेंट SDG फोकस, चूज MCI डिग्री, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एप्लीकेंट गोल। ठीक है, अब हम बात करें सेलेक्शन प्रोसेस का, तो यहाँ पे अगर आपका जो सेलेक्शन होगा वो आपका 2 स्टेज प्रोसेस रहेगा।
तो यहाँ पे टू स्टेज प्रोसेस रहेगा। पहले में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट को जो है इंटरव्यू के लिए अप्लाई की इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा विद द ज्यूरी कंसिस्टिंग ऑफ जुरूस फ्रॉम द बैन की मून सेंटर एंड MCI। तो यहाँ पे देखिए आपका टू स्टेज प्रोसेस होगा, पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और जो इंटरव्यू लेंगे वो रहेंगे बैन की मून सेंटर के जो भी ऑफिशियल्स और साथ ही साथ MCI के जो भी ऑफिशियल्स होंगे, ठीक है। अब अगर बात करें फाइनल डिसीजन की आपका कैसा जो है फेलोशिप, मतलब आपको कैसे फेलोशिप दी जाएगी, तो 50% आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जैसे आपके यूजी की डिग्री या आपका मोटिवेशन लेटर या आपका जो और डिग्री है उन सब के बेस पे, और रिमेनिंग जो 50% जो रहेगा चांस वो रहेगा आपका इंटरव्यू जो कि जूरी लेंगे, जो कि बन की मून सेंटर के ऑफिसर्स और MCA ऑफिसर्स जो भी बिल के रहेंगे, तो उसकी बेस पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।